ये गैजेट क्या करता है कि आप इसको काओ पे लगा देते हैं, काओ पे बांध देते हैं, तो ये काओ के लिए आपको काओ का टेम्परेचर, काओ का काओ ने कितनी दफ़ा जुगाली किया, रूमिनेशन, उसकी वो प्रेगनेंसी होने वाली है कि नहीं होने वाली, कितने उसने स्टेप काउंट लिए हैं, कितने वो आज चली है, उसके बाद कितनी देर वो स्टैटिक रही है, बैठी रही है, कितनी देर खड़ी रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पे दिखाती है। ये बेसिकली हमारा एक पोर्टल है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान डेयरी एक्सपो में आपका जो स्टॉल है लगाया आपने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी प्रोडक्ट हमने बनाई है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो प्रोडक्ट हमारी कुछ इस तरह है कि हमने काओ का हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है। ज़बरदस्त, ये नई चीज़ है जी, काओ का हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। थिंक कनेक्ट हमारी कंपनी है जी। थिंक कनेक्ट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो एक प्रोडक्ट हमने बनाई है काओ का हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके लिए ये गैजेट हमने बनाया है। ये गैजेट क्या करता है कि आप इसको काओ पे लगा देते हैं, काओ पे बांध देते हैं, तो ये काओ के लिए आपको काओ का टेम्परेचर, काओ का काओ ने कितनी दफ़ा जुगाली किया, रूमिनेशन, उसकी वो प्रेगनेंसी होने वाली है कि नहीं होने वाली, कितने उसने स्टेप काउंट लिए हैं, कितने वो आज चली है, उसके बाद कितनी देर वो स्टैटिक रही है, बैठी रही है, कितनी देर खड़ी रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पर दिखाती है। ये बेसिकली हमारा एक पोर्टल है। ठीक है, जितनी भी काओस के ऊपर डिवाइसेज आपकी कनेक्टेड होंगी, तो ये पोर्टल है हमारा बेसिकली। फॉर एग्जांपल ये किसी काओ के साथ कनेक्टेड है, तो ये बता रहा है कि 31 डिग्री उसका बॉडी टेम्परेचर है, अभी वो एक्टिव नहीं है, अभी वो एक जगह स्टैटिक है, बैठी है, उसने 90 टाइम्स उसने च्यू किया है, 90 टाइम्स वो खा चुकी कुछ, 90 दफ़ा उसने एक्टिविटी की है, 4452 उसके स्टेप काउंट्स हैं। ठीक है, ये कितने लास्ट है? एक घंटे का बता रही है ये लास्ट, एक घंटे आज के दिन का, अब तक का, दिन का अब तक का, पर एवरी 15 मिनट्स ये डाटा अपडेट होता है। ज़बरदस्त, हर 15 मिनट बाद ये डिवाइस क्या है डाटा सेंड करती है, ये आपका पोर्टल अब रिफ्रेश होता है, उसके बाद वो बता देता है प्रेगनेंसी स्टेटस क्या, इसके हमारे डिफरेंट चार्ट्स हैं, इस सारे डाटा की बेस पर डिफरेंट अलर्टिंग सिस्टम हमने इसमें रखे हुए हैं। आप बताते हैं कि यार ये मेरे 5 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, या 5 मेरे जो फार्मर्स हैं इनको SMS चला जाए, ईमेल चली जाए कि यार इस काओ की एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अब वो डेली एवरेज आ रही है काओ की 5000 स्टेप्स पर डे, तो जैसे ही वो 3000 या 2000 या 2500 कर रही है, उसमें मसला आ रहा है, इट्स मीन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द काओ, तो उस काओ वो आपको अलर्ट आ जाएगा, ये अपनी एवरेज से कुछ कम कर रही है। अब प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इसमें मैनुअली एंटर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप देख रहे हैं हमारी ये डिवाइस है, इस पर हमने बारकोड लगाया। सही है, बारकोड के साथ आप क्या करते हैं कि आप अपने एंड्रॉयड की डिवाइस के साथ एंड्रॉयड पे आप उसको स्कैन करते हैं, स्कैन कर लेते हैं आप, स्कैन करने के बाद आप बताते हैं कि इसने आज हमें 3000 यानी 35 लीटर मिल्क दिया। सही है, वो भी आपकी प्रोडक्शन सारी इसमें सेव हो रही है। ठीक है, वो अलर्ट्स फिर आपके जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो डिवाइस है, ठीक है, या गैजेट है, ये मेड इन पाकिस्तान है या इम्पोर्टेड? मेड इन पाकिस्तान, नथिंग इज इम्पोर्टेड फ्रॉम एनीवेयर। ये बड़ी ही हैरान कन बात है और यकीनन एक खुशाइंद बात है। USA में इस तरह के सिस्टम्स आपको मिलते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो लोकली डेवलप्ड हो। ज़बरदस्त जी, लोगों का लोकली, बहुत खुशी की बात है। पोर्टल भी लोकली डेवलप है, एंड्रॉइड ऐप भी लोकली डेवलप्ड है। ऐप हो गई इनकी लॉन्च, ऐप यानी अभी इन प्रोडक्शन है, वो भी आज या कल में या विद इन अ वीक वो भी रेडी होगी। ये सारा कुछ आप एंड्रॉइड ऐप पे भी देख रहे होंगे। ज़बरदस्त हो गया, एक फार्मर अपने फार्म की तमाम जो गायें हैं या भैंसें हैं उनकी जो एक्टिविटी है, उसकी हेल्थ की जो कंडीशन है, उसके जो रोज़मर्रा की जो नीड्स हैं और उसके अलावा उसकी जो रूटीन है उसको मॉनिटर कर सकता है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और अपने जो लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये डिवाइस आपने अपनी गाय के साथ लगानी है और आप तमाम कंट्रोल जो है वो आप उसको कर सकते हैं अपनी जो एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए। तो अच्छा, ये जो है इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस थी 15,000, लेकिन एक्सपो में हम इसको 10,000 पे दे रहे हैं। सही, पर गैजेट। और इसकी 6 मंथ्स की वारंटी है और उसके साथ जो हमारी ऐप और जो सॉफ्टवेयर वो टोटली फ्री है। अगर एक फार्म में 50 गायें हैं तो हम डिस्काउंट कर रहे हैं नहीं, तो हर एक गाय के लिए ये अलग से खरीद के 24 घंटे उसे लगाना पड़ेगा या कि कुछ देर के लिए लगाया उसको मॉनिटर किया उतार दिया? नहीं, आप लगाएंगे तो डाटा आएगा, तो डाटा की बेस पे आप उसको एनालाइज करेंगे ना। सही है, तो आपने लगा दिया, ये लगा रहेगा, ये 1 मंथ ये आप इस पर वायरलेसली चार्ज करते हैं। आपने ये चार्ज किया 2 आवर्स, ये आपने इसको इसी तरह चार्ज करेंगे, इस तरह आप 2 आवर्स रखेंगे,
चार्ज होगा, पर ये वन मंथ आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मंथ ये आपको मॉनिटरिंग देगा। IoT टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सही है, जो कि अभी पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जल्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आप अरूज देखेंगे। आप घर बैठे AC हैंडल कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, वो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कि आप इंटरनेट के ज़रिए अपनी सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, वो सारा कुछ ये उसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए। इसमें डिफरेंट सेंसर्स हैं हमने इस्तेमाल किए हुए, वो सेंसर कुछ टेम्परेचर देते हैं, कुछ डिफरेंट रीडिंग्स देते हैं, फिर पोर्टल के साथ कनेक्टेड है, फिर बैक एंड पे हमारा क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का हमने क्लाउड। जारी बात है, फिर रेंज होगी कुछ ना कुछ, किस कितनी रेंज तक आप मॉनिटर कर सकते? इंटरनेट मिल जाएगा कहीं से भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट इसको चाहिए, ठीक है, आपका एक वाईफाई लगा, आपने कनेक्ट किया हुआ है उसके साथ, कहीं पे बैठ के भी आप कर सकते हैं इंटरनेट। आपका अब ये फॉर्म है, फॉर्म में कोई ये आपने एक इंटरनेट का राउटर लगा दिया आपने? नहीं, जो मालिक है या जो चेक करने वाले, वो कहीं दूर भी हो तो वो अपने इंटरनेट अवेलेबिलिटी के साथ पोर्टल को चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी पोर्टल को चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, तो आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है, एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट। तो आपके पास, आप कहते हैं मेरी काउ नंबर 5 यार, वो कल बीमार थी, आज का उसका डाटा देख लूँ, आज कैसा कितना डाटा है, ज़बरदस्त जी, काउ रिपोर्ट है इसमें कि मेरे पिछले मंथ में कितनी काउज बीमार हुई हैं, वो रिपोर्टिंग अभी, क्योंकि ये डिफरेंट हम यूज़र से लॉग इन है, तो वो अभी रिपोर्टिंग यहाँ पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी, वो मैं आपको अपडेट हुआ है, वो नज़र आ रहा है, लास्ट डाटा आपको अपडेटेड आ रहा है यहाँ पे, अकाउंट बनेगा उसमें, ये क्या है जी, सबसे पहले कोर बॉडी टेम्परेचर क्या है इस वक्त का, उसके बाद अभी वो क्या मूवमेंट में है कि नॉन मूवमेंट है, वो नॉन एक्टिव है, वो एक्टिविटी नहीं कर रही, उसने 90 टाइम्स चू किया था, अभी तक वो 4452 काउंट चल चुकी है, आज की तारीख की बात, आज की तारीख की, ठीक है। उसके बाद लेजीनेस और कंफर्ट लेवल उसका निकाला हुआ है, वो बताया हुआ कि 1 आवर इसका तकरीबन लेजीनेस और डिस्कम्फर्ट है, स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड, और अभी वो प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पर आ रही है, सही है, ठीक है जी। तो अगर कोई हमारा व्यूअर या फार्मर आपसे ख़रीदारी करना चाहे, ये डिवाइस चाहिए हो जो कि एक मेरे ख्याल में तो एक इनकलाब ले आएगी अगर आने वाले वक्त में, तो आपका जो राबता नंबर है, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, क्या हो सकता है वो? हमें थिंक कनेक्ट्स, हमारी वेबसाइट भी है, उस पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, टू ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर नंबर बोल दें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। हाँ जी, 03004549165 ये मोबाइल है, और थिंक कनेक्ट्स हमारी साइट भी है, वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान डेयरी एक्सपो के तवसत से एक नई चीज़ हमारे फार्मर्स के लिए यहाँ पर मिली है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।